माय लॉर्ड, ये केस एक फंडामेंटल राइट के वायलेशन का केस है। रास्ता दीजिए, रास्ता। रोको रैली, रोको रास्ता दो गाड़ी के लिए। मेरी बेटी, मेरी बेटी। एक्सीडेंट विक्टिम को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए थी। अगर पुलिस ने थोड़ी सी भी मदद की होती तो वो रास्ता बन सकता था। आप लोग अगर 15 मिनट पहले लाते तो शायद हम उन्हें बचा सकते थे। वी आर सॉरी। 15 मिनट पहले? इट्स टाइम जब हम इस बंद वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाएं। इन हड़तालों पे, बंद पे, रास्ता रोको रैलियों पर, धरनों पर बैन लग जाना चाहिए। हम तो बस आपसे एक निवेदन करने आए। बेटा फौज ज्वाइन किया है ना आपका, अब वो वहां मदरलैंड की रक्षा करेगा कि यहाँ फादर की? वो पॉलिटिशियन, उसके हमले, ये सब आपकी प्रॉब्लम है क्या? फिर आपके कर्मों का फल? हमारे बच्चे हमारे लिए क्या होते हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे फादर ये लड़ाई एक बाप के लिए जीतना चाहते हैं, पर एक बेटा उस लड़ाई में शामिल होना चाहता है कि नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। ये रैली, ये प्रदर्शन, ये सभाएं, इट्स माय जॉब, माय राइट टू फ्री स्पीच। व्हाट अबाउट द राइट टू फ्री मूवमेंट? उन हजारों लोगों का क्या जिन्हें आप लोग सड़क पर रोक लेते हैं? जगा आज कर दमचा, चल कर दमचा, सुन होने दे जरा आज तिर कट धा, आज कर दमचा, चल कर दमचा। अगर आपने, आपकी फैमिली ने कभी भी किसी भी जाम में फंस कर या ये रास्ता रोकने वाले हड़तालों की वजह से कोई भी नुकसान उठाया है तो हमारी इस मुहिम में हमारा हिस्सा बनिए। समझ में नहीं आता कि माँ होने के नाते फिक्र करूं या फख्र करूं अपनी परवरिश पर। आज कर दमचा, चल कर दमचा। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश सेवा के नाम पर अपने रास्ते बनाने के लिए दूसरों के रास्ते रोकने का अधिकार इनको दिया किसने?